हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कार्बोनिल कंपाउंड्स द्वारा शो करने वाले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को पढ़ने से पहले यह जान लेते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप यह रिएक्शंस क्यों देते हैं। यदि आप कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर देखेंगे तो यह कुछ इस तरह से होता है, जिसमें कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और कार्बोनिल ग्रुप की ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर। हमने लास्ट वीडियो में यह पढ़ रखा है कि कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड पोलर होता है, जिसके कारण कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। और इस तरह से कोई भी न्यूक्लियोफाइल पार्शियली पॉजिटिव चार्ज्ड कार्बन पर अटैक करना प्रिफर करता है। तो जब न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर अटैक करेगा तो कार्बन के 5 बॉन्ड बनने लगते हैं। लेकिन हम यह जानते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसीलिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पर शिफ्ट होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इसे हम एक ट्रांजिशन स्टेट की हेल्प से विजुलाइज कर सकते हैं, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। इसमें न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा होगा, वहीं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा और फाइनली यह ट्रांजिशन स्टेट हमें यह अनायन दे देता है। इस एनायन में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 से चेंज होकर sp3 हो जाती है और इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो जाती है, जिसे हम कुछ इस तरह से विजुलाइज कर सकते हैं। अब यह एनायन अटैकिंग एजेंट के काउंटर पार्ट या फिर वाटर से मिलने वाले प्रोटॉन के साथ रिएक्ट करके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट दे देता है, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। इस पूरे प्रोसेस को हम कुछ इस तरह से समराइज कर सकते हैं, जिसमें कार्बोनिल कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करके हमें एक अनायन देता है, जो वाटर के साथ रिएक्ट करके फाइनली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट दे देता है। यदि हम एल्डिहाइड और कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के टुवर्ड्स रिएक्टिविटी की बात करें तो एल्डिहाइड्स कीटोन्स के कंपेयर में ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एल्डिहाइड में केवल एक अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसके कारण कार्बोनिल कार्बन पर अटैक के दौरान कम हिंड्रेंस होता है और न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर सकता है। साथ ही साथ एल्डिहाइड के केस में केवल एक अल्काइल ग्रुप होने के कारण प्लस आई इफेक्ट भी कम लगता है, जिसके कारण कार्बोनिल कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ज़्यादा होने के कारण न्यूक्लियोफाइल भी इस कार्बन पर अटैक करना प्रिफर करते हैं। वहीं कीटोन के केस में दो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, जिसके कारण कार्बोनिल कार्बन ज़्यादा हिंडर्ड होता है और इस कार्बन पर प्लस आई इफेक्ट भी ज़्यादा लगता है, जिसके कारण इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी एल्डिहाइड के कंपेयर में कम होती है और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करना रिलेटिवली कम प्रेफर करते हैं। इसीलिए कीटोन्स की रिएक्टिविटी एल्डिहाइड के कंपेयर में कम हो जाती है। तो चलिए अब हम एक एक करके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला रिएक्शन जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कार्बोनिल कंपाउंड्स की हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन।
हम जानते हैं कि हाइड्रोजन साइनाइड एक वीक एसिड होता है, तो यह बेस से रिएक्ट करके हमें साइनाइड आयन देता है और यह साइनाइड आयन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, तो यह कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा और हमें रिएक्शन के बाद कुछ यह अनायन मिलेगा। यह अनायन वाटर से मिलने वाले H+ आयन से रिएक्ट करके हमें कुछ यह कंपाउंड देगा। इस कंपाउंड को हम साइनोहाइड्रिन कहते हैं, क्योंकि इस कंपाउंड में आपके पास साइनाइड ग्रुप भी है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट है। इस साइनोहाइड्रिन को हम बहुत सारे कंपाउंड्स की प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं, जैसे कि अगर हम इस साइनोहाइड्रिन का हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो हमें यह 2-हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, और इस 2-हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज हम बहुत सारे प्रोटीन्स को बनाने के लिए करते हैं। वहीं अगर हम साइनोहाइड्रिन का रिडक्शन करें तो यह हमें 2-हाइड्रोक्सी अमीन दे देता है, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। चलिए अब हम दूसरे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करते हैं। यदि हम कार्बोनिल कंपाउंड को सोडियम बाईसल्फाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पर बाईसल्फाइड आयन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और यह कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करके हमें कुछ यह कंपाउंड देगा। सिंस सल्फोनिक ग्रुप काफ़ी ज़्यादा एसिडिक नेचर का होता है तो यहाँ पर O- और सल्फोनिक एसिड के H के बीच में प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा और हमें कुछ यह कंपाउंड मिलेगा। यह हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन कंपाउंड एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जो कि सॉल्यूशन से प्रेसिपिटेट हो जाता है। यदि आप हाइड्रोजन सल्फाइड आयन का साइज देखें तो कीटोन के केस में हाइड्रोजन सल्फाइड आयन के अटैक के लिए बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण कीटोन्स इस रिएक्शन को काफ़ी स्लो रेट से देते हैं। इसीलिए इस रिएक्शन का यूज़ अल्डिहाइड और कीटोन्स को सेपरेट करने के लिए किया जाता है। यह रिएक्शन रिवर्सिबल नेचर की होती है। यदि हम एडिशन कंपाउंड को हाइड्रोलाइज करें तो यह हमें वापस अल्डिहाइड दे देता है, और इसी रिवर्सिबल नेचर के कारण इस रिएक्शन को अल्डिहाइड के प्यूरिफिकेशन के लिए भी यूज करते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड्स की तीसरी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ। हम जानते हैं कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट एक ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड होता है जिसमें अल्काइल ग्रुप पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है, और इसलिए ग्रिगनार्ड रिएजेंट में अल्काइल ग्रुप न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, तो यह न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करके हमें कुछ यह कंपाउंड देगा, और अगर हम इसे हाइड्रोलाइज करें तो यह हमें फाइनली अल्कोहल दे देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि हमने अल्डिहाइड ले रखा है तो हमें 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, वहीं कीटोन्स के केस में 3 डिग्री अल्कोहल्स फॉर्म होंगे, जिसे हम कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं।